हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और आज हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल और आरएएमसी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो आरएएमसी इंडिया का बहुत पुराना स्कूल है और ये हमेशा पहले से जो प्रिंसली स्टेट होते थे उनके जो राजा महाराजा होते थे, मतलब कि जो प्रिंस होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए बना था। ठीक है, एक टाइप से आप कह सकते हो कि रॉयल कॉलेज था, इसमें पहले एग्जाम भी नहीं होता था। ठीक है, और नॉर्मली एडमिशन मिल जाती थी, जो वही उन्हीं को मिलती थी जो सिर्फ किसी ना किसी प्रिंस, कोई ना कोई किंग के बेटे हों। ठीक है, इंडियन प्रिंसली स्टेट में। अब सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत लेट आया, ठीक है, 1961 में डेवलप हुआ और ये 1922 से चल रहा है। ओके, तो जब ब्रिटिश थे तब उस टाइम पे ही यहाँ पे ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी और तब भी क्लास 8 से ही बच्चों का एडमिशन होता था। ओके, पर सैनिक स्कूल जब से स्टार्ट हुई थी उसमें क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। ठीक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर बच्चा क्लास 6 में आपने एडमिशन कराई है उसमें हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्लास 8 के लिए तैयारी करा दो। ठीक है, एक साल तो लग ही जाएगा उसको तैयार करने में और फिर एग्जाम आ जाएगा। फिर अगर 8th में भी यहाँ पे आरएएमसी भी नहीं हुआ तो क्लास 9th के लिए फिर से इसमें सैनिक स्कूल में आ जाओ। ठीक है, आगे करते हैं, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है भाई इसका। अब एडमिशन बहुत टफ होता है, मींस पूरे स्टेट से जितने भी हमारे स्टेट है 28, उनमें से लगभग एक स्टेट से एक ही बच्चा को लिया जाता है। ठीक है, साल में 2 बार एग्जाम होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक स्टेट में एक या दो सैनिक स्कूल हो सकते हैं और दो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। यूपी जैसे में तो 3 है, ठीक है, यूपी जैसे स्टेट में तो 3 सैनिक स्कूल है और वहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा का मतलब देखो एक क्लास 6 में लगभग 60 सीटें होती हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो। क्लास 9th में भी 20 के आसपास होती हैं, 20 से लेके 30 सीटें तक। ओके, तो इसमें सीट बहुत ज़्यादा है, आराम से तो नहीं, पर अगर आप फिर भी आप स्टडी करोगे, एक साल लगा के तैयारी करोगे, ऑनलाइन क्लासेस लगा के, ऑफलाइन क्लासेस लगा के, तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसमें इंटरव्यू का सिस्टम पहले था, अब हटा दिया। इसमें इंटरव्यू भी होता है और उसके 50 मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, वो भी आपको 50 में से आपको देंगे जितनी भी दें, 20, 30, 40, 50। ओके, डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी। अच्छा, एज का क्राइटेरिया दोनों में होता है, इसमें भी आपको एज चाहिए 11, 11.5 साल से लेके 13 साल के बीच में। ठीक है, 11.5 साल का मतलब होता है कि बच्चा जब 10 साल का है तब वो तैयारी करना स्टार्ट कर दे, 10 साल का मतलब जब वो क्लास 5th में है। ओके, ठीक है, क्योंकि जब 5 साल का होता है तब वो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, या चलो उससे पहले भी, पर फर्स्ट क्लास वो 5 ईयर में ही करता है। और यहाँ पे 10 से लेके 12 साल के बीच में क्लास 6 के लिए और 13 साल से 15 साल के बीच में क्लास 9th के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि सीटें देखो यहाँ पे तो 25 पक्का ही है और इसमें डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में जा रहे हो। अगर 6th क्लास में हो तो काफ़ी सीटें होती है, कहीं 100 भी होती है, 120 भी मिल जाएंगी आपको सीटें एक सैनिक स्कूल में। ओके, और क्लास 9th में वही 20 से 25 के बीच में ही रहेंगी, हर साल चेंज होती रहती है। 6 की फिक्स रहती है पर क्लास 9th की सीटें चेंज रहती है, मतलब 6 में भी अगर जो जो स्कूल है ना उन सभी में अलग अलग सीटें होती है। ठीक है, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है तो वहाँ पे सिर्फ 40 है और वो लोग इंक्रीज भी नहीं कर रहे क्लास 6 के लिए। ठीक है, और सोचो फिर 9th में कितनी सीटें होंगी, सिर्फ 6, 7, 8 बस। ओके, और बट ऑन एन एवरेज देखा जाए इसमें सबसे कम है, इसमें सबसे कम है, बाकियों में 60 तो मिनिमम है, 60 से लेके 100 तक के बीच में या 120 के बीच में आपको सीटें मिलती है। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं कि भाई इसमें पढ़ने से आपको मिलेगा क्या। ठीक है, मतलब चलो ठीक है, मेहनत करके क्लासेस लगा ली, फिर चलो एडमिशन भी हो गया, इसके बाद क्या मिलेगा। देखो जो इन सभी सैनिक स्कूल्स में आपको जो एनडीए है ना, मतलब पूरी क्लास में से सिर्फ 2 या 4 बच्चे क्लियर करते हैं। ठीक है, मतलब अब आप बोलोगे एनडीए में भी होता है कि भाई रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया किसी ने एसएसबी क्लियर की, किसी ने रिटर्न एसएसबी बाद में इंटरव्यू करके वो उसमें सिलेक्ट हो गया,
जो सिलेक्ट होने वाले होते हैं वो दो चार ही होते हैं, ठीक है, बच्चे पूरे मतलब पूरे क्लास में, पूरे ईयर में। और जो लोग पेपर देते हैं या जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो ज्यादा होते हैं, लगभग आपको 8 से 10 बच्चे होंगे जो रिटन एग्जामिनेशन निकाल ले जाते हैं सैनिक स्कूल के। तो सैनिक स्कूल के बच्चे एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन निकाल ले जाते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या है, एनडीए में लगभग ये 70% जो बच्चे हैं ना वो एग्जाम निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि जो बैच ही होता है ना एनडीए का, उसमें जो 50% बच्चे होते हैं ना वो सिर्फ एक ही स्कूल से होते हैं, 50% बच्चे सिर्फ एक ही स्कूल, और वो यही है आर्यन से।